शांति ही शांति ही शांति ही। समस्त को स्वागत मोर आज कालांश को। आज आम तरल पदार्थ मापर आज प्राथमिक धारणा पाइबा। तरल पदार्थ क्या कहवा, तरल पदार्थर माप केमिति करा जाए से विषय आम किछि सम्यक ज्ञान आज पाइबा। वीडियोटी मन दे पूरा देखु। तरल पदार्थर धारणा पाइबा को हेले वीडियोटी को पूरा देखा पड़ो। चलंतु डेरी नक आरंभ करिबा आज पाठ। आज आम जानिबा पाठ है तरल पदार्थर माप। तरल पदार्थ कौन, तरल पदार्थ कहिले कौन बुझ। जो पदार्थर निर्दिष्ट आकार न थाए, जो वस्तु रखा जाए से ही वस्तुर आकार धारण करे, से ही आकार धारण करे। जेपरी क्षीर, तेल, पेट्रोल, पानी आदि। देखिबा तरल पदार्थर कौन सी निर्दिष्ट आकार न थाए, अर्थात आम तरल पदार्थ को गोटे जगार रखिले सी रही जमी रखिले सी रही गड़ी गड़ी आग को पल ढाई दि पा गोटे स्थान रही सी आग को गड़ी की चली। तेल क्षीर जहाँ भी तरल पदार्थ अच्छी आम ढाले सी निर्दिष्ट स्थान रही सी गड़ी की पल आमे ताहाकु कौन करुचु गोटे पात्र रे रखुचु, वस्तु बा पात्र रे आमे रखुचु ताकु ताकु जेतु सी आउ गड़ी की जीव नाही। क्यों प्रकार वस्तु रे रखुचु ना आमे ताकु ग्लास किंबा आमे गिना ग्लास कि बोतल मग बाल्टी इत्यादि से जग इत्यादि रे आमे रखुचु। आमे ता से रखिबा द्वारा से तरल पदार्थ आउ गड़ी की जीव ना। तो तरल पदार्थ गला किए ना क्षीर, तेल, पेट्रोल, पानी आदि गुड़ी को आमे तरल पदार्थ कहिबा। ए सबर गुण एका भलिया आकु गड़िले सी जोड़ा निम्न थी गड़ाणिया थी सेपटे सी गड़ी गड़ी पल। ए सबूक गोटे निर्दिष्ट पात्र रखे आउ जेहेतु तार आकार ना जो पात्र रतीकी परिमाण बोली आमे ताकू कही था। जमती ग्लास रे जदि आमे क्षीर रखा तुम्हें कह क्षीर ग्लास एक ग्लास क्षीर बा क्षीर ग्लास टी है। तेणु बोतल रे जदि पानी रखिल पानी बोतल बा सोडा बोतल कि थंडा बोतल तुम्हें जेहेतु भितरे से तरल पदार्थ रखी था से तेणु आम ताकूक परिमाण आम धरतु। गिनाए दही दही गिना रखिले गिनाए दही बोली तुम्हें कह। तो जो स्थान तुम्हें कि बाल्टी रे पानी रख एक बाल्टी पानी बोली तुम्हें कह। तो जो वस्तु बा पात्र रे से रहिबो से वस्तुर से आकार धरव आम से परिमाण बोली आम तरल पदार्थ को कही था। बुझा पड़ा तरल पदार्थ। तो से तरल पदार्थ माप केमिति हुए आसतु से विषय आम कि जानवा। यार परवर्ती आम जानवा जे यापर आम जानवा तरल पदार्थ रखापी आम कौन कौन व्यवहार आम घरे घरे आम तरल पदार्थ मापाप कौन कौन तुम्हें पात्र तुम्हें व्यवहार करुच पात्र बोली कहवा। से पात्र गुड़िक ना है ग्लास गिना ढाल बोतल मु चित्र भी देखेदे आम देखीद बोतल डेक्ची बाल्टी ड्रम पानी टांकी जग इत्यादि ये सब पात्र आम घरे प्रतिदिन आम घरे आम व्यवहार करू से आम तरल पदार्थ रखु तेल कि क्षीर कि दही कि पानी इत्यादि जहाँ भी आम यू पात्र रखी था। तो पात्र रखापी तरल पदार्थ को रखापी सब पात्र व्यवहार करागला। तबे तरल पदार्थ माप करने कौन व्यवहार करे चल से विषय आम कि जानवा। तरल पदार्थ माप करने कौन व्यवहार करपरी माप कर विषय आम जानवा।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ରାମର ମା ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ବିକାଳୀ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ସିଏ ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ଆଣନ୍ତି। ତ କେତେ କ୍ଷୀର ସିଏ ଦିଏ ନା, ତିନୋଟି ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ତିନି ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର। ତ ରାମର ମା ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ସିଏ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ପୁରେଇକି ଆଣିକି ଦିଏ। ଆଉ ତାକୁ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି, ତିନୋଟି ଗ୍ଲାସରେ ସିଏ ପୁରେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଗ୍ଲାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଷୀର ବିକାଳି କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେଲା। ମା କ'ଣ କଲେ, ତିନି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଲେ, ତିନି ଗ୍ଲାସ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତ ଦୁଇଟି ଗ୍ଲାସ ପୁରା କ୍ଷୀର ଭରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର କମିଗଲା, ଏତିକି କ୍ଷୀର ରହିଲା, ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ ରହିଲା, ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ଭୁର ହେଲା, ତିନି ଗ୍ଲାସ। ମା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, କାହିଁକି ଆଜି କ୍ଷୀର କମିଗଲା, ସବୁବେଳେ ତ ତିନି ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଭରି ରହୁଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଟିକେ ଖାଲି ରହିଲା। ପରଦିନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବିକାଳି କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଲା, ତାକୁ କହିଲା, ଭାଇନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି କ୍ଷୀର ଦେଲ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତୁମର ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତିନୋଟି ଗ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଉଥିଲି ପୁରା ଗ୍ଲାସ ରହୁଥିଲା, କାହିଁକି ତୁମର କାଲି ତୁମର ଏତିକି ଖାଲି ରହିଲା କାହିଁକି। ତ କ୍ଷୀର ବିକାଳି ଉତ୍ତର ଦେଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ମାପିକି ଭରି କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି ସେ ଗ୍ଲାସଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଗ୍ଲାସଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କଲ, ତାହେଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସଟି ନେଇ ଆସିଲି ବଜାରରୁ କିଣିକି, ସେହି ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତିନି ଗ୍ଲାସ ପୁରେଇକି ତୁମକୁ ଦେଲି। ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା, କାହିଁକି ଏଇ ଗ୍ଲାସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଗ୍ଲାସ ଦେଲା ଏ ତିନୋଟି ଗ୍ଲାସ ଭରି ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ ଥିଲା ସିଏ ଥିଲା ଟିକେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସଟି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସଟିଏ କିଣିଦେଲା ସିଏ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସଟି, ଛୋଟ ଗ୍ଲାସଟିଏ କିଣିଦେଇକି ତିନି ଗ୍ଲାସ ସିଏ କ୍ଷୀର ଭରି କରିକି ଆଣି ଦେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ଭରି ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ରହିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶିଖିଲେ ନା, ଯେଉଁ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଗ୍ଲାସଟିଏ, ସେ ଗ୍ଲାସର ଆକାର ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ତାହାର ମାପ କ'ଣ ହେଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସିଗଲା। ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଏକକର ଗ୍ଲାସ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଜ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ଷୀର କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ତ ଏଥିରୁ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ନାହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଏକକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ମାପିଲେ ଏକା ଭଳିଆ ମାପ ହେବ, ଆଉ ମାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ମାପ ପଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପ ପାଇଁ କେଉଁ ମାପ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେଥିରେ ଯଦି ମାପ କରିବେ ମାପ ସମାନ ହେବ, କାହାର ମଧ୍ୟ ମାପ କମିବ ନାହିଁ। ସେହେତୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାପ ପଳା। ମାପ ପଳା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଆଙ୍କିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଚିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମାପ ପଳାର ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାପ ପଳା ଅଛି
ये दुई प्रकार मापपड़ा दुई प्रकार साइज़ रा मापपड़ा अच्छी ये भी मपा जाए पार ये भी मपा ये निर्दिष्ट जो साइज अच्छी आर साइज निर्दिष्ट जे कोनसी स्थान रे आमे आकु जदि किणीबा एका साइज रा मापपड़ा मिलिबो मो पाखरे एथिपई गोटे मापपड़ा रा अच्छी भी देखिनबा ये मापपड़ा अच्छी ये ए भलिया मापपड़ा आकु गोटे हैंडल अच्छी आकु आमे तरल पदार्थ जेतेबेले आमे हाथ धरिबा ताकु तरल पदार्थ एमती बोड़े कि आनिबा आमे पात्र रे ढालिबा ए भलिया आमर मापपड़ा आमर अच्छी देखिबा तो ये मापपड़ा ए अनेक साइज रे भी मापपड़ा अच्छी तो ए मापपड़ा रे जदि आमे मापिबा जेतिकि परिमाण रो तरल पदार्थ हबो ताकु कौन बोली कहिबा कौन नाम देबा सेति पई तरल पदार्थ रे गुटे एकक व्यवहार करा गला तार नाम दिया हला लीटर तरल पदार्थ रो मौलिक एकक तो तरल पदार्थ रो मापर आमर माप सामग्री व्यवहार करा गला किंतु तार एकक ना दिया हला लीटर तरल पदार्थ रो मौलिक एकक होउछि लीटर अर्थात यही जो पात्र अच्छी तुमको देखाई यही भाया पात्र जदि आम माप करवा जी परिमाण में तरल पदार्थ हम ताकू कह लिटर केते लिटर ना एक लिटर ये इंग्राजी वन एल लिखाई एल मान लिटर तो वन लिटर एक लिटर ये भी वन लिटर एक लिटर तो तुम्हें जदि एक लिटर किसी क्षीर कि पेट्रोल कि किरोसिन किसी आणव तेबे एही पात्र तुमको भरी ए भरी करी तुमको देबे सी हम एक लिटर बुझा पड़गला एक लिटर पात्र चित्र आमे देखिले तुमको एक लिटर माप पड़े जी आवश्यक से आवश्यक ना से तरल पदार्थ आवश्यक बाब तुम्हें क्षीर आणुच एक लिटर ठार कम क्षीर तुमको आवश्यक हो तो सेठी तुम्हें कौन कर कम क्षीर आवश्यक है तुमको तो लिटर ठार कम है तेणु लिटर को कौन कराला ताठ गोटे छोट एकक व्यवहार करागला एक लिटर ठार छोट एकक नाम दिहला मिली लिटर मिली लिटर केते केमिति हिसाब करा ना एक लिटर को हजार भाग करा ही गला एक लिटर को हजार भाग करा ले सेथिरु गोटिए भाग जेतिकी परिमाण हबो सी एक हबो मिली लिटर एक मिली लिटर हबो तो से हिसाब रे जेतु हजार हिसाब करा गला हजार संख्या मध्य रे तुम्हें माने जे कोनोसी संख्या रो मिलीलीटर तुम्हें तरल पदार्थ नहीं पार जमी 500 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर 900 मिलीलीटर हजार मध्य जेकोसी मिलीलीटर माप पड़ा तुम्हें नहीं पार सेतिपाई कौन करा गला ना एक लिटर ठारू छोटो छोटो माप पड़ा तैयारी करा गला तुम्हें जेतिकी माप पड़ा तुमर जेतिकी माप दरकार से अनुसार माप पड़ा रे तुमको मापिकी दिया जीवो तो सेति सकाशे माप पड़ा गुड़ी दी प्रकार करा गला गोटा हला एक हला लिटर माप पड़ा ला मिलीलीटर माप पड़ा दि प्रकार माप पड़ा आमर तैयारी करा गोटे हला लिटर माप पड़ा आ गोटे हला मिलीलीटर माप पड़ा लिटर माप पड़ा गुड़िक कण करा गला ना एक लिटर गोटे माप पड़ा करा गला दुई लिटर माप पड़ा करा गला पांच लिटर माप पड़ा करा गला पांच लिटर माप पड़ा करा गला आउ दस लिटर माप पड़ा करा गला
कोड़े लिटर माप पड़ा करागला पचास लिटर माप पड़ा करागला। तो ये आम छ प्रकार लिटर माप पड़ार आमर बड़ बड़ साइज़र माप पड़ा तैयारी करागला। मिली लिटर पर कौन व्यवहार करागला ना दस मिली दस मिली लिटर कोड़े मिली लिटर पचास मिली लिटर शहे मिली लिटर दुईश मिली लिटर एवं पांचश मिली लिटर माप पड़ा आमर तैयारी करागला। छ प्रकार माप पड़ा तैयारी करागला। लिटर गोटे लिटर एक लिटर माप पड़ा मु तुम मानक देखेली देखा ये हूँ एक लिटर तुम्हें देखिपर ये वन ली लिखाई माने एक लिटर आठ बड़ दुई लिटर पांच लिटर किसी माप पड़ा मु तुम मानक चित्र देखा देखीद देखिले दुई लिटर पांच लिटर इत्यादि। अच्छा से भाया मिली माप पड़ा आसला दस कोड़े पचास शहे दुईश आउ पांच मिली मिली माप पड़ा आसला पांचश मिली ये लिखाई देखा फाइव हंड्रेड पांचश मिली दुईश मिली शहे मिली मु बड़ सान कली पांच दुईश ये हूँ शहे देखा मु साइज एका थरे तीनो जाक साइज देखे देखा ये पांच ये दुईश आउ ये ये पांच ये दुईश आउ ये शहे मिली यापर आसला पचास कोड़े आउ दस मो पाखे दुईट माप पड़ा अच्छी पचास आउ ये कोड़े पचास आउ कोड़े दुईट छोट छोट माप पड़ा आउ गोटे दस माप पड़ा भी अच्छी। तो यह आमर मिली माप पड़ा गुड़िक आमर यह रहिला आमको जदि तुमको जदि सात लिटर दरकार माप पड़ा ताहले पांच लिटर माप पड़ा और दुई लिटर माप पड़ा ए दुईटे थरे थरे तुमको जदि दिया सात लिटर हो पांच लिटर प्रथम भरी देदेले दुई लिटर गोटे माप पड़ा भरी कर देदेले पांच दुई सात लिटर हो गला। से परे मिली माप पड़ा तुमको जदि तीन शह मिली कौन सी तरल पदार्थ दरकार दुईश मिली रे गोटे थर मापिबा शहे मिली रे गोटे थर मापिबा ए भाया दुईश आउ शहे मिसिले तीन शह मिली आमर माप हो गला। सातश पचास जदि तुमको दरकार गोटे पाँच मिली रे थरे आम ढादे दुईश मिली रे भरी कर थरे ढादे पाँच दुईश सातश आउ गोटे पचास आउ थे भरी कर ढादे पाँच दुईश सातश पचास आमर माप हो गला। यही आमर भिन्न भिन्न प्रकार मापाई मिसिकी दुई तीनो माप पड़ा मिसिकी से भरी कर देले आमर माप हो जाए क्यों माप पड़ा आम नवा क्यों मापाई से विषय आम परवर्त वीडियो आम अधिक विस्तृत भाव जाना। आज पाठ ये समाप्त होला। आज आम कि तरल पदार्थर कि धारणा पाइले तरल पदार्थ मापर एकक माप सामग्री कौन से विषय अल्प किसी ज्ञान पाइले आसंता वीडियो रे ए विषय आम आउ टे विस्तृत भाव जाना। आजपाई ये समस्ते मन दे वीडियो पूरा देखि समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।